दोस्तों यदि आपके कोई आयरन आपने नया लिया है और वो नहीं चल रहा होता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसमें न्यू का आप लेते हैं या आयरन आप लेते हो उसमें जो प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आती, तो इसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो चैनल पर यदि पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहें। और दोस्तों किसी भी तरह की रिपेयरिंग के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हो चैनल को ओपन करके। और मैं इसमें आपको पहले को बताने वाला था कि ये जो शोल्डर आयरन है, इस आयरन में आपको ये जो दो वायर ये आपको मजबूत टाइप के दिखाई देते हैं, आप उसके चक्रों में कभी कभी काया फेंक देते हो, तो ये बिल्कुल ही नहीं करें दोस्तों। क्योंकि इसमें ये जो दो बारीक वायर निकले होते हैं डबल वायर बारीक के, वो आपके जो काये के आयरन के होते हैं, इस जो आयरन गर्म होता है उसमें उसका होता है, यानी इसमें लोहे के वायर होते हैं, आयरन का मतलब लोहा ही होता है, तो लोहे के वायर होते हैं उससे वो गर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिटिंग के तौर पे मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये देख लीजिए काया बिल्कुल ही गर्म नहीं हो रहा है और ये लाइट यहाँ जल रही है और ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर देख लीजिए करंट नहीं आ रहा। यदि आता है तो हमारे स्विच बोर्ड में लगाया हुआ ये लाइट ऑफ हो सकती थी, तो अब नहीं हुई है। इसका मतलब जहाँ पर वोल्टेज कोई डिफॉल्ट है वोल्टेज का, तो इसका ही कोई खास कारण है, तो हम इसको भी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ तक आके करंट आ रहा है और यहाँ तक देख लीजिए यहाँ तक भी करंट आके आ रहा है, यहाँ तक भी करंट आ रहा है लेकिन यहाँ पर गर्म नहीं होता है यहाँ पर। तो इसमें ये मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ ये बारीक जो वायर दिख रहे हैं उसमें ये यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्ट नहीं हुआ, यानी इसमें कुछ है या जो भी ये प्लास्टिक है ये लगा हुआ रहता है और पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, तो ये अर्थ पकड़ता नहीं है, तो इसी वजह से ये मिस्टेक आती है और आपको हम करके भी दिखाने वाले हैं। तो अब आप देख लीजिए आप यहाँ और ये बिल्कुल यहाँ पर कनेक्टिंग ये दूर है इसका, ये ओनली यहाँ पर मजबूती के लिए दिया होता है और आयरन असली में यही आयरन में आपके जाता है। तो इसमें यदि आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो पता चलेगा कि इसका आयरन सही है या वायर में खराबी है या फिर कनेक्शन में कोई दिक्कत है, तो आपको ये जरूर चेक कर लेना होता है कि यहाँ पर क्या खराबी हुई है।